ओके तो हम लोग आज फर्स्ट सेशन है थ्योरेटिकल हैकिंग कोर्स का। तो आज का हमारा जो है सेशन दैट विल बी इंट्रोडक्टरी। हम थोड़ा सा कुछ डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस करेंगे। कल से विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल्स, मतलब थ्योरेटिकल रहेगा उसमें भी, बट आज विल जस्ट बी वर्किंग ऑन थियोरी। तो अच्छा, एथिकल हैकिंग की जहाँ तक बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू यू, तुम लोगों के हिसाब से क्या होता है? अच्छा, एथिकल छोड़ो, हैकिंग क्या होता है? मतलब जो तुम्हें जितना पता है उसके बारे में, उसमें से हेलो, सब लोग आवाज़ सुन पा रहे हो? अभी यस सर, आई कैन हियर यू। ओके, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि एथिकल हैकिंग में आप कोर्स कर रहे हो सब लोग, हाँ सर, तो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, थोड़ा बहुत तो इसके बारे में कुछ सुना होगा, कुछ तो मतलब आइडिया होगा इसका कि क्या इन्वॉल्व होता है उसमें। तो मैं सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू व्हाट यू नो, हैकिंग अगर मैं पूछूं तो व्हाट वुड यू से, हैकिंग क्या होता है? सर, हैकिंग इज व्हेन किसी का कंप्यूटर का एक्सेस ले लिया या फिर किसी का नेटवर्क हैक कर लिया विदाउट उसके परमिशन के। विदाउट परमिशन, मतलब इसको हम इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं दैट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस। Yes, sir. Unauthorized access. Unauthorized access. Or in certain cases, unattended access. Unintended access. Okay. देखो, unintended, अगर कोई हैकर है ना, तो वहाँ पे unintended तो usually नहीं होगा उसका access. क्योंकि अभी मैं हैकर strictly in the sense कि जो illegal जो part होता है hacking का, उसकी बात कर रहा हूँ. तो उसमें क्या होता है कि वहाँ तो वो लोग डेफिनेटली किसी को टारगेट करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हैं, उसी को ये फोकस ऑन दैट। तो मेन यहाँ पे लेकिन जो पार्ट है, अगर एक बहुत ही बेसिक सी मैं डेफिनेशन की बात करूँ हैकिंग की, तो वो यही है जो तुमने बोला अभी, कि किसी के सिस्टम का, किसी के डेटा का अनऑथराइज एक्सेस लेना, कि मुझे परमिशन नहीं है वो सिस्टम यूज़ करने की या वो डेटा व्यू करने की, और तब भी अगर मैं उस चीज को कर रहा हूँ तो दैट इज हैकिंग। यस सर, ओके। एंड फिर देयर इज अ टर्म एथिकल हैकिंग, जो हम लोग जिस पे फोकस करेंगे। एथिकल हैकिंग का मीनिंग क्या है कि अब यहाँ पे इस केस में मेरे पास परमिशन है, और परमिशन भी किस तरीके की, रिटर्न परमिशन है। अच्छा सर, मैं ये कंफर्म करना चाहूंगा कि इज हैकिंग समथिंग डिफरेंट, जैसे कि आजकल रिमोट के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एनी डेस्क हो गया, रिमोट पीसी, टीम व्यूअर, तो उन सारे डिवाइसेस से अगर हम किसी के कंप्यूटर का रिमोट लेते हैं और फिर जो कुछ भी करते हैं वो तो उसका रिमोट लेके कुछ काम करना हुआ, तो हैकिंग में ऐसी किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, दे कैन डायरेक्टली गेट इनटू द कंप्यूटर। Hacking is different than using something like AnyDesk. Definitely that is different. AnyDesk में तो क्या कर रहे हो? AnyDesk या TeamViewer जो भी यूज़ कर रहे हो, उसमें तुम परमिशन दे रहे हो सामने वाले को कि रिमोटली मेरा सिस्टम एक्सेस करो। दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट केस। Hacking में तो क्या है कि सामने वाले को पता नहीं चल रहा, एंड तब जाके तुम उसका सिस्टम एक्सेस कर रहे हो। अच्छा, डेफिनेटली हैकिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूजिंग समथिंग टू सिंपली रिमोटली एक्सेस अ सिस्टम। तो अब
हैकिंग में क्या प्रोसीजर होता है, क्या टूल्स किस तरह के होते हैं, टेक्निक्स कैसी होती हैं, वो तो ऑफ कोर्स विल सी थ्रू आउट दिस सेशन, थ्रू आउट दिस कोर्स. अच्छा, मैं बोल रहा था एथिकल हैकिंग के बारे में. एथिकल हैकिंग क्या होता है कि मेरे पास प्रॉपर परमिशन है, रिटन परमिशन है कि ये किसी के सिस्टम को हैक करने की, ठीक है. एंड परमिशन यहाँ पे दिस इज इम्पोर्टेंट, यू मस्ट हैव रिटन परमिशन. किसी ने सिर्फ बोल दिया, ओरल परमिशन इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. परमिशन की अगर बात करो तो रिटन परमिशन होनी चाहिए. तो ये डिफरेंस क्लियर है हैकिंग और एथिकल हैकिंग का? यस सर. किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना. ओके, तो एज आई मेंशन कि आज हम लोग कुछ टर्म्स देखने वाले हैं, तो आई विल जस्ट बी शेयरिंग माय स्क्रीन एंड वी विल डिस्कस अ फ्यू टर्म्स एंड डेफिनेशंस. तो मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? यस सर. ज़ूम पे? जी सर, जी. ओके, तो इंट्रो टू एथिकल हैकिंग हमने अभी तक देखा, हैकिंग वर्सेस एथिकल हैकिंग. देन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ CIA ट्रायड. देखो, जहां तक हम हैकिंग की बात कर रहे हैं, हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं. तो जहां तक मैं बात कर रहा हूं कि कोई चीज सिक्योर है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा सिस्टम है या ये मेरा डेटा है और ये सिक्योर है, मतलब उसके तीन एलिमेंट्स हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं सिक्योरिटी के जो वहाँ पे अप्लाई होने चाहिए, ठीक है. और इन एलिमेंट्स को हम CIA ट्रायड भी कहते हैं, बट दैट इज़ जस्ट अ वे, एक तरीका है वो सिंपली इसको आसानी से याद रखने का, ठीक है. तो तीन एलिमेंट्स हैं. सो सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि डेटा जो है वो किसी भी अनऑथराइज्ड यूज़र को अवेलेबल नहीं होना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए. फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि आई हैव अ बैंक अकाउंट, ठीक है, मैं ऑनलाइन उस पर काम करता हूँ, आई कैन यूज नेट बैंकिंग एंड स्टफ. तो मेरा जो लेकिन अकाउंट डेटा है वो मैं तो ऑथराइज्ड हूँ उसको देखने के लिए, टू यूज इट एंड टू सी इट. मेरा डेटा है, मेरा अकाउंट है, आई एम ऑथराइज. बट कोई और अगर उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसको वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी कि डेटा जिसको बिलोंग करता है, जो ऑथराइज है उस डेटा को देखने के लिए, सिर्फ वही उसको देख सकता है और कोई नहीं देख सकता. दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी. देन यू हैव आई, CIM इज इट. सी इज़ फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, आई इज़ फॉर इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी का मीनिंग है कि डेटा शुड नॉट बी मॉडिफाइड बाई अनऑथोराइज यूजर्स. कि डेटा में किसी भी तरह के चेंजेस सिर्फ वही कर सकता है जो ऑथराइज है उस डेटा को यूज़ करने के लिए. कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी अनऑथराइज यूज़र उस डेटा में कोई चेंजेस करे, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होता है अगेन, तो वहाँ पे तुम ये कह सकते हो कि डेटा की जो सिक्योरिटी है, पहली बात तो डेटा की इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है. और इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, मतलब वो डेटा सिक्योर नहीं है, उसको तुम सिक्योर नहीं मानोगे. That is integrity. की अगर जैसे अगेन कमिंग टू द सेम एग्जाम्पल, मेरा अकाउंट डेटा है, आई वॉन्ट टू मेक अ चेंज कि मतलब मेरे को अपना नंबर चेंज करना है या मेरे को एड्रेस चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो क्योंकि मेरा अकाउंट है, अगर मैं चेंज कर रहा हूँ दैट इज़ फाइन.
लेकिन अगर कोई और कर रहा है, अगर तुम कर रहे हो, कोई और कर रहा है, कर पा रहा है अगर, तो दैट मीन्स कि डेटा की जो इंटेग्रिटी है दैट इज नॉट मेंटेन्ड। सर मेरे हमें कैसे अलावा पता चलेगा कि सर कौन सा लोग मेरा डाटा मतलब मेरा सिस्टम यूज कर रहे हैं, कौन तुम्हारा डेटा यूज कर रहा है? इसको कैसे फाइंड लगाएंगे? मान लिया जाए मेरा सिस्टम हैक हो चुका है तो हम कैसे पता लगाएंगे? तुम्हारा सिस्टम हैक हुआ है तो पहले देखो, अगर कोई कुछ कुछ ना कुछ ऐसे साइंस तुम्हें दिखेंगे कि कोई ऐसी फाइल जो तुमने क्रिएट नहीं की वो अगर तुम्हें सिस्टम में मिलती है, या अगर तुमने कोई प्रोग्राम ऐसा इंस्टॉल तुम्हें दिखे जो तुमने इंस्टॉल नहीं किया और जी वो अगर सर, तुम्हें अपने सिस्टम पे दिख रहा है, किसी भी तरह का चेंज अगर ऐसा है जो तुमने नहीं किया वहाँ पे, लेकिन फिर भी तुम्हें वो चीज़ दिख रही है अपने सिस्टम पे। अच्छा हर जी केस में सर, आसान नहीं होता ये चीज़ पता लगाना कि कोई चेंज हुआ या नहीं, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। तो इसलिए एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ये है कि तुम इंटरनेट पे क्या कर रहे हो, किस तरह से यूज़ कर रहे हो उसको, क्या चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, ये भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई ओके केसेस सर, में पता लगाना मुश्किल हो जाता है एक बार अगर हैक हो जाए सिस्टम को। तो सर हमें ये कैसे पता चलेगा कौन से साइट पे हैकर्स हैं, कौन से साइट पे नहीं है? देखो थोड़ा हाँ, डेफिनेटली एक एक वेबसाइट के लिए तो तुम नहीं जा सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो तुम ध्यान रख सकते हो, जैसे कि पायरेटेड चीज़ें मत डाउनलोड करो, ठीक है। कोई भी वेबसाइट अगर ऐसे फ्री में बहुत सी चीज़ें दे रही है उस पर मत जाओ। अगर नेट ब्राउजिंग तुम कर रहे हो थोड़ा बहुत, हाँ एक्सक्यूज मी, थोड़ा बहुत भी तुम्हें अगर उसमें तुमने ब्राउजिंग पहले की है तो एक लेवल पे एक आइडिया तो हो जाता है कि हाँ कौन सी वेबसाइट जो है ये एक्चुअल चीज़ दे रही है, कौन सी है जो नहीं दे रही है। यस प्लस अगेन जो चीज़ मैंने मेंशन की पायरेटेड कंटेंट, अगर तुम पायरेटेड कंटेंट डाउनलोड कर रहे हो किसी भी तरह का गेम, मूवी, टूल, सॉफ्टवेयर, कुछ भी, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली तुम अपने सिस्टम को रिस्क पे डाल पाओ। अच्छा फिर ओके दूसरी सर, चीज़ ये कि मान लो तुम्हें कोई ईमेल आता है किसी ऐसे जगह से जहाँ से तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे या जिसको तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो उस पर किसी भी हाँ लिंक को क्लिक मत करो। मतलब जी देखो सर, बेसिकली ये है कि जो भी कर रहे हो इंटरनेट पे थोड़ा सोच समझ के करो कि अगर मेरे को ये वेबसाइट कोई चीज़ दे रही है तो मेरे को क्या लेनी चाहिए। अगर ये फ्री में इतना सामान मेरे को मिल रहा है तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ होगी वहाँ पे। अच्छा सर, जो हम एप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो उसमें वो जो अलाउ करने के लिए आता है एक्सेस, कैमरा, मीडिया फाइल, ये वगैरह, परमिशंस, तो हाँ हाँ परमिशंस वगैरह जो आते हैं वो क्या चीज़ है? वो भी एक हैकिंग का जरिया है क्या सर? एक जरिया हो सकता है बिल्कुल। वो भी इसलिए वहाँ भी तुम्हें थोड़ा ये सोचना है कि जैसे मान लो कोई ऐप है जो तुम इंस्टॉल कर रहे हो, कोई गेम इंस्टॉल कर रहे हो, जी सर, और परमिशन उसकी, जब भी उसको परमिशन अलाउ करते हो ना, हाँ उस सर, लिस्ट को अच्छे से देखो। अगर कोई गेम है वो तुम्हारे कैमरा का एक्सेस मांग रहा है तो तुम उसको मत अलाउ करो, क्योंकि उसको कैमरा एक्सेस क्यों चाहिए, जी है ना। एकदम सोच समझ के उसको परमिशन दो कि जिस ऐप को जो चीज़ यूज़ करनी नहीं है उसकी परमिशन क्यों मांग रहा है। अक्सर अपन क्या है, फटाफट वो इंस्टॉल करते हैं, सब अलाउ करते हैं, और फिर जो है उस चक्कर में भी अगर मान गड़बड़ हो लिया जाए जाती सर, है। हम मान लिया जाए जैसे गेम डाउनलोड किया हूँ मैं, कैमरा उसमें गेम में तो कैमरा एक्सेस का कोई जरूरत नहीं, अगर मैं कैमरा एक्सेस लिखा हुआ उसे एक्सेस दे देता हूँ उस पे ओके करके अलाउ करके, तो मेरा कैमरा कभी भी एक्सेस कर सकता है चाहे मेरा सिस्टम ऑन मतलब ऑन हो या ऑफ हो, मोबाइल ऑफ हो या ऑन हो, कुछ भी? नहीं, मोबाइल ऑन तो होना चाहिए उसके लिए, ऑफ में तो क्या कुछ भी नहीं चल रहा है, तुम्हारी डिवाइस ही बंद है। नहीं, जैसे मैंने स्विच ऑन रखा है, बाद बाकी मैं उसे लॉक करके मैंने धर दिया है कहीं, तो एक्सेस ले सकता है? हाँ ले सकते हैं। अच्छा मान लिया जाए सर, जैसे मेरा सिस्टम है मैं शटडाउन करके रख दिया, या मोबाइल में अपने स्विच ऑफ करके रख दिया, तो एक्सेस कोई नहीं ले सकता है तब तक जब तक मेरा स्विच ऑफ रहेगा फोन? जब तक स्विच ऑफ है तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जो जो मतलब गड़बड़ है और उस पर डाला हुआ है, तो दोबारा जब स्विच ऑन करोगे तब वो दोबारा एक्सेस ले सकता है। अच्छा, स्विच ऑन होने के बाद उसे पता चल जाएगा कि ये स्विच ऑन हो चुका है? हाँ देखो ऐप्स तुम्हारे फ़ोन पर कैसे काम करती है, तुम स्विच ऑन करते हो कई सारी ऐप्स बैकग्राउंड में चल जाती हैं, हाँ तो अगर कुछ ऐसी ऐप है कुछ मैलिशियस है तो वो भी चल अच्छा सकता है बैकग्राउंड अच्छा जी सर, ओके सर, समझ गया सर।
अपन बात कर रहे थे CIA ट्रायड की, तो हेलो। हाँ कुछ पूछना था। यस सर, सर कुछ ऐसा नहीं हो सकता सर, इतने सर मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं सर, इनको फाइंड करने के लिए सर एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर हो। तो जो तुम्हारे एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर आते हैं वो होते हैं, अगर सर तुम्हारा सिस्टम एंटी, सर एंटी वायरस, तो सर एंटी वायरस तो 90% सर वायरस को स्कैन नहीं कर सकता सर। एंटी वायरस नहीं एंटी मालवेयर कह रहा हूँ मैं, वायरस तो एक तरह का मालवेयर हो गया, यस सर। सर और वो भी डिपेंड कर रहा है तुम किस तरह का डाल रहे हो, मतलब कुछ अच्छा। मालवेयर और वायरस में क्या अंतर है? अभी जब मालवेयर के टॉपिक पे हम आएंगे तब डिस्कस करूंगा मैं वो चीज़। अच्छा, ठीक है, वो सब आगे आएगा तो वो मैं तब बात करूंगा उसको। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अवेलेबिलिटी, सी से कॉन्फिडेंशियलिटी, आई इंटेग्रिटी, ए होता है अवेलेबिलिटी के लिए, कि जो भी ऑथराइज्ड यूज़र है उस डेटा का, उसको जब भी ज़रूरत पड़े वो डेटा वहाँ पे एक्सेसिबल होना चाहिए, डेटा यूजेबल होना चाहिए। दोबारा से आते हैं वही बैंक अकाउंट वाले एग्जांपल पे, तो उसमें क्या होता है कि मान लो मुझे कुछ ट्रांजैक्शन करना है और मेरे को अपना अकाउंट यूज़ करना है उसके लिए, लेकिन सर्वर डाउन चल रहा है वहाँ पे बैंक का, तो वहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी नहीं रही डेटा की उस समय, मेरे को ज़रूरत है डेटा की लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है मेरे लिए, तो उस केस में हम कहेंगे कि अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है डेटा की। तो ये सी आई और ए तीन चीज़ें हैं, उनको याद रखने का तरीका है, इसलिए उनको CIA ट्रायड के नाम से कहते हैं, बाकी CIA से कोई लेना देना नहीं है उसका, बट ताकि आसानी से याद रह जाए इसमें CIA करके इसको तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं अपन। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स पे। अच्छा, तुमने अभी तक कितने टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में सुना है? सर एक तो वाइट होता है, एक ब्लैक होता है, और एक रेड होता है, और एक ग्रे होता है व्हाइट सर। हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट, रेड नहीं होता कुछ भी हैकर उसमें, रेड हैट हैकर्स नहीं होता, रेड हैट एक लिनक्स का वो होता है फ्लेवर। सर बेसिकली सर थ्री टाइप की होती है, बट सर मैनेजमेंट लेवल में आते हैं तो उसमें फाइव टाइप हो जाते हैं सर। मेन तो देखो, मतलब जो मेन हम क्लासिफिकेशन देखते हैं उसमें तीन तरह की होती हैं, यस सर, ब्लैक व्हाइट हैट हैट, हैकर, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। ग्रे ये हैकर। व्हाइट, ब्लैक और ग्रे, यस व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। सर, ब्लैक हैट तो होते हैं जो इलीगल काम करते हैं, ठीक है, जो अंतराय, यस सर, अंतराय क्राइम करते करते हैं। हैं सारा, ठीक है, वो होते हैं ब्लैक हैट। व्हाइट हैट वो होते हैं जो एथिकल हैकर होते हैं, ठीक है, पार्टी उनको कहते हैं वगैरह व्हाइट करते हैट हैकर्स। हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक हैट, व्हाइट हैट एंड और ग्रे हैट। तो ग्रे हैट क्या होता है कि मतलब जो जो हैकर कभी कभी ब्लैक हैट वाले भी काम कर रहा है और कभी वो व्हाइट हैट वाले भी काम कर रहा है, तो उस तरह के हैकर को कहते हैं ग्रे हैट हैकर। तो मेन तो ज्यादातर जगह सर तुमने ये दोनों में तीन डिफरेंट क्या टाइप्स होता है सर, जैसे किसमें, ब्लैक और व्हाइट हैकर्स ब्लैक और व्हाइट में? है? हाँ दोनों में ब्लैक हैट, मतलब ज्यादा ब्लैक हैट तो वो डिफरेंस होते क्या हैं है? जो बता रहा हूँ, ब्लैक हैट वो होते हैं जो इलीगल काम करते हैं, जो तुम सुनते हो ना कि डेटा लीक हो गया लोगों का या किसी हैकर्स ने कहीं हैक करके पैसे चुराए कुछ किया, जी वो सर, जी सारा सर। काम जो करते हैं वो होते हैं ब्लैक हैट, अच्छा सर, ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। दोनों का प्रोसेस, जो ब्लैक हैट हैकर करेगा, व्हाइट हैट हैकर करेगा, दोनों का प्रोसेस, दोनों का सारा सॉफ्टवेयर वगैरह सारा सेम ही चीज यूज करता है, बस उसका वो करने का तरीका पे ब्लैक हैट और व्हाइट हैट हो जाता है। करने का जो इरादा है वो अलग होता है, ब्लैक हैट का कुछ नुकसान पहुंचाना होता है, व्हाइट हैट का हैक करने का ये मकसद होता है कि ये पता चल पाए कि सिस्टम में किस तरह के इश्यूज हैं सिक्योरिटी को लेकर, ताकि उसको ठीक कर सकें। ओके सर, तो दोनों का टूल्स सेम होते हैं, तरीका भी मोस्टली सेम रहता है, बस मेन डिफरेंस होता है कि क्यों वो कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ठीक, ओके सर, समझ गया। और ग्रे हैट तो वो होता है जो मतलब
मिक्स कह सकते हो कि वो कभी ब्लैक हैट वाले भी काम कर रहा है, कभी वाइट हैट वाले काम कर रहा है, उसको ग्रे हैट कहते हैं। फिर होता है स्क्रिप्ट किडी। तो स्क्रिप्ट किडी उसको कहते हैं जो मतलब बिल्कुल ही जिसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, सिंपली वो दूसरों के बनाए हुए टूल्स वगैरह डाउनलोड करके यूज़ कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा टूल्स क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, बस वो दूसरों को देख के टूल्स यूज़ करे जा रहा है, उसको कहते हैं स्क्रिप्ट किडी। दूसरा फिर यहाँ पे दिया हुआ है वो है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट, स्टेट मतलब वो राज्य वाला स्टेट नहीं, गवर्नमेंट की बात हो रही है, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और उनका काम होता है ज़्यादातर ये कि जैसे दूसरी गवर्नमेंट्स पे स्पाई करना, उनका देखना कि क्या इंफॉर्मेशन मिलती है उनके बारे में। इस तरह के जो हैकर्स हैं उनको कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, तो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। फिर आता है साइबर टेररिस्ट। साइबर टेररिस्ट वो होते हैं जो अपना कुछ डर फैलाने के लिए, अपना आतंक फैलाने के लिए साइबर अटैक्स करते हैं बहुत बड़े स्केल पे। तो उसको कहते हैं साइबर टेररिस्ट। फिर आते हैं सुसाइड हैकर्स। सुसाइड हैकर वो होते हैं जिनको मतलब परवाह नहीं होती कि हैकिंग करने के जो जो भी हमने हैक किया उसकी वजह से क्या हमें पनिशमेंट मिल सकती है, उसकी उनको परवाह नहीं होती। तो वो हैक करते हैं मतलब वो इलीगल जो भी काम कर रहे हैं करेंगे, और वो ये नहीं सोचते कि उसका क्या पनिशमेंट मिलेगी, हो सकता है जेल जाना पड़े, कोई बहुत फाइन वगैरह भरनी पड़े, जो भी है उनको परवाह नहीं है। फिर आते हैं हैक्टिविस्ट, जो मतलब अपना कुछ कॉज प्रमोट कर रहे हैं, अपना कुछ एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं, और कैसे प्रमोट कर रहे हैं, वेबसाइट्स वगैरह हैक करके। जैसे एक ग्रुप है अनोनिमस नाम का, हैक्टिविस्ट ग्रुप है, ठीक है, यूएस का। वो लोग यूजली गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ अपना करते रहते हैं। और क्या करते हैं वो लोग यूजली कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक करके वहाँ पे फिर अपना कुछ मैसेज डाल देते हैं कि मतलब अगर तुम उस वेबसाइट पे जाओगे तो तुम्हें ये दिखाएगा कि दिस मतलब ऐसे लिखा हुआ कि दिस वेबसाइट इज़ हैक्ड, इस तरह से कुछ। और जो भी वो लोग मैसेज प्रमोट करना चाहते हैं हैक्टिविस्ट, वो वहाँ पे लिख देंगे। तो ये काम करते हैं हैक्टिविस्ट। तो टाइप्स ऑफ हैकर, जो क्लासिफिकेशन होती हैं हैकर्स की, वो ये सारी होती हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन है किसी को? नहीं, नो सर, ठीक है। ये था टाइप्स ऑफ हैकर्स। सर मैंने स्टार्टिंग से क्लासेस नहीं किए तो मुझे पता नहीं है। फर्स्ट 2 पॉइंट क्या आपने बताया? फर्स्ट हमने एक तो अभी इसमें टाइप्स ऑफ हैकर्स में या से पढ़ यस लिया। सर, अच्छा, टाइप्स में मैं ये देख रहा था, पहले मैंने बोला था ब्लैक हैट हैकर। तो ब्लैक हैट हैकर वो होता है जो इलीगल काम करता है, ठीक है, जो न्यूज़ में आता रहता है ना कि ये कंपनी में हैक हुआ, डेटा ब्रीच हुआ, डेटा लीक हुआ, जो सर आवाज आ रही है, सर कुछ आवाज क्लियर आ रही आवाज है, नहीं आ रही। डिस्टर्बेंस किसी ना किसी के उससे आ रही है। तो ब्लैक हैट वो होते हैं जो इलीगल काम करते हैं, व्हाइट हैट वो होते हैं जो एथिकल हैकिंग करते हैं, और ग्रे हैट वो होता है जो दोनों काम करता है। कभी कभी वो ब्लैक हैट वाले काम कर रहा है, कभी वो व्हाइट हैट वाले काम कर रहा है, उसको कहते हैं ग्रे हैट हैकर। तो ये हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स। इसके बाद फिर आते हैं फेजेस ऑफ हैकिंग। फेजेस मतलब कह सकते हो कि स्टेप्स, हर चीज़ का प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर मेथड होता है। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हैकिंग के प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर उनको हम फेजेस के नाम से भी यहाँ पे बुलाते हैं।
तो वो हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे कितने 5 फेजेस दिए हुए हैं, 5 फेजेस हम हैकिंग में फॉलो करते हैं। हैकिंग और एथिकल हैकिंग कुछ भी कहो, ये फेजेस यही रहते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फुटप्रिंटिंग। इसका मतलब है कि जो भी जिसको भी टारगेट कर रहे हो एज अ हैकर या एज एन एथिकल हैकर, जिसको भी टारगेट कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। उसके बारे में जितनी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम यहाँ पे इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। सर कैसे करेंगे सर इन्फॉर्मेशन वो लीक? देखेंगे आगे, उसकी चिंता मत करो। अभी मैं सिर्फ ये क्या क्या मीनिंग है एक बेसिक वो बता रहा हूँ, उसके टेक्निक्स टूल्स ओके वगैरह वो सर, सब जब उस ओके टॉपिक पे सर, आएंगे कवर ओके करेंगे, सर, चिंता मत करो। ओके सर। फिर आते हैं हम स्कैनिंग पे। स्कैनिंग में क्या हो रहा है कि हमने जैसे जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ली है उसको अब थोड़ा और इन डेप्थ हम टेक्निकल जा रहे हैं उसमें। तो मान लो जैसे मुझे आईपी एड्रेसेस मिले हैं टारगेट डिवाइसेस के, तो मैं उन पे कई सारे टूल्स यूज़ करूँगा, कई तरह अलग अलग तरह के स्कैन्स में चलाऊँगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से उनके बारे में लेने की कोशिश करूँगा। तो इस फेज़ के एंड तक क्या हो जाएगा कि मेरे को एक आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह से अप्रोच कर सकता हूँ सिस्टम को, किस तरह से मैं उसको हैक कर सकता हूँ। फिर आते हैं नेक्स्ट फेज में, गेनिंग एक्सेस। मतलब इसमें एक्चुअल जो हैकिंग कहते हैं वो होती है कि मैंने ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन ली है उसके बेसिस पे अब मैं एक्चुअली हैक करूँगा टारगेट को। और गेनिंग एक्सेस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि मैं टारगेट सिस्टम का एक्सेस ले रहा हूँ यहाँ पे। अब वो एक्सेस ले लिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज में आते हैं मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग एक्सेस मतलब कि क्या, कि जैसे एक बार तो मैंने एक्सेस ले लिया उसको, पूरा ये प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फिर स्कैनिंग वगैरह सब किया मैंने और मैंने एक्सेस ले लिया। अब उसके बाद मान लो दोबारा से मुझे सिस्टम को हैक करना है, तो मैं बार बार तो ये सारी चीज़ें करूँगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे कोई ना कोई इस तरह से बैकडोर डाल दूंगा उस सिस्टम में, जिससे कि मैं दोबारा से बाद में उस सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ बिना उस ये पूरा प्रोसेस वापस किए। तो उसको कहते हैं मेंटेनिंग एक्सेस, कि बाद में भी मैं उस सिस्टम को हैक कर पाऊँ इस तरह से कुछ मैंने वहाँ पे कर दिया, सिस्टम में डाल दिया। सर वो एक्चुअली में होता क्या सर, वो बैकडोर सिस्टम कैसे वो सिस्टम में डालते हैं? वो बैकडोर मतलब कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ नहीं है। बैकडोर मतलब कोई भी तरीका जो तुमने वहाँ पे अप्लाई किया जिसकी वजह से तुम दोबारा कभी भी उस सिस्टम को आसानी से एक्सेस कर सकते हो, उसको कहते हैं बैकडोर। उसके भी अलग अलग होते हैं तरीके बैकडोर डालने के, इसको आगे से मतलब आगे इसका होगा फिर ना, इसको जानेंगे आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कुछ तरीके इसके। फिर आगे से। ठीक आता है क्लियरिंग ट्रैक्स। अब क्लियरिंग ट्रैक्स ये एक ऐसा फेज है जो एथिकल हैकिंग में तो उतना ही नहीं यूज़ होता, बट जो हैकर्स हैं वो ज़्यादातर ये काम करते हैं क्लियरिंग ट्रैक्स। क्लियरिंग ट्रैक्स मतलब क्या है, सिंपली इसको कह सकते हो सबूत मिटाना। सबूत मिटाना मतलब क्या हो गया कि तुमने हैक किया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए लेकिन कि सिस्टम हैक हुआ है, ठीक है। तो उस पर कोई भी इस तरह का कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला जब सिस्टम खोले तो उसको दिखे कि अरे ये फाइल है, तो उसको पता चले कि हाँ हैक हुआ है सिस्टम, या किसी भी ऐसा कोई चेंज ना हो सिस्टम में कि उसको पता चल जाए, या फिर अगर कुछ लॉग्स वगैरह हैं जो भी तुमने एक्सेस किया सिस्टम को, लॉग्स डिलीट कर दो, चेंज कर दो उनको, ताकि सामने वाले को आइडिया ना हो कि सिस्टम हैक हुआ है। ये मेन पर्पस होता है क्लियरिंग ट्रैक्स का। तो हैकर्स ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं। एथिकल हैकिंग में क्लियरिंग ट्रैक्स का उतना काम नहीं रहता कुछ। फिर आते हैं कुछ टर्म्स यानी कुछ डेफिनेशंस जो जिनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे।
तो पहली है हैक वैल्यू। ठीक है, हैक वैल्यू क्या होता है, मतलब कि किसी चीज़ की अगर कोई हैक वैल्यू है किसी भी सिस्टम की या किसी रिसोर्स की, मतलब कि उसको हैक करने से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा हैकर को। अगर कोई हैक वैल्यू उसको नहीं दिखेगी उसमें, तो वो उस पर फोकस नहीं करेगा, उसको टारगेट नहीं करेगा। सर हम जानेंगे कैसे सर कि इसमें, हाँ इसमें मतलब मेरे फायदे का है, इससे डाटा मतलब इसका डाटा मैं ले सकता हूँ, ये फायदेमंद है मेरे लिए, या उसमें मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, तो ये जानेंगे मैं कैसे। तो मतलब उस तरह से होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, कोई कंपनी को ये लोग टारगेट कर रहे थे, उनको पता है हाँ कंपनी को मैं टारगेट करूँगा, तो वहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू है, कुछ या तो कंपनी का डेटा मैं चुरा सकता हूँ, या कुछ उनके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाए, तो वो मैं वहाँ से ले सकता हूँ। एग्जैक्ट क्या मिलेगा वो पता लगाना तो मुश्किल है, पर किस चीज़ को टारगेट करने से कुछ ना कुछ मिलेगा, ये तो पहले से एक बेसिक अंदाज़ा हो सकता है। अब अटैक होते ज़्यादातर कहाँ पे हैं, या तो कंपनीज पे होते हैं अटैक्स, ठीक है, मेनली क्योंकि एक एक इंडिविजुअल यूज़र पे सारे अटैकर्स फोकस करते नहीं हैं। अब जैसे ये जो आजकल मैलवेयर वगैरह है, ज़्यादातर कहाँ पे ये लोग टारगेट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, क्यों, क्योंकि वहाँ उनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशंस तो अपने डेटा के लिए पैसे देंगी, लेकिन अगर इंडिविजुअल यूज़र को करें तो वो तो उनको ही पता है कि उसमें कम ना फायदा है। पहली बात तो हर कोई अपने डेटा को इतना वो करता भी नहीं कि उसके लिए पैसे दे। प्लस बहुत ही कम चांस है कि वो इंडिविजुअल यूज़र्स पे फोकस करें, उनको हैक करें और वहाँ से कुछ सेंसिटिव डेटा मिले। उसमें मेहनत भी ज़्यादा है, फ़ायदा भी कम है, तो उसकी हैक वैल्यू बहुत कम है कंपैरेटिवली। इस तरह से वे लोग देखते हैं उस चीज़ को, जो अटैकर्स हैं या जो ब्लैक हैट्स हैं। एथिकल हैकर तो कभी उसको उस हैक वैल्यू वो तो देखने नहीं है, वो तो सिंपली अगर उसको किसी ने प्रोजेक्ट दिया है एथिकल हैकिंग का तो उस पर काम करेगा, बाकी रैंडम भी तो ढूंढेगा नहीं टारगेट्स, वो तो हैकर्स करते हैं सर। सर प्रोजेक्ट क्या दिया जाता है, जैसे आपने बताया कि जो एक लोकल हैकर्स होते हैं प्रोजेक्ट उसको मतलब जैसे मान लो प्रोजेक्ट, तुम एथिकल हैकर हो, ठीक है, ठीक है सर, तो तुम्हारा कोई क्लाइंट होगा, वो बोलेगा कि मेरे सिस्टम्स को हैक करके वो करो, टेस्ट करो, तो वो प्रोजेक्ट होगा तुम्हारा वहाँ पे सिंपली। कोई भी कंपनी है। हाँ, जो भी क्लाइंट होगा, कंपनी होगी, जो भी होगा। वैसे सर सीएच के बाद तो कंपनी एडवाइस भी, मतलब ये कंपनी कोई भी कंपनी जा सकते हैं सीएच करने के बाद। सीएस करने के बाद हाँ एक वो रिज्यूमे में दिखता है ना कि सीएस सर्टिफिकेशन है, तो उससे फ़ायदा होता है काफ़ी। मतलब कंपनी जब जॉब्स में, वगैरह के लिए अप्लाई करते हो, काफ़ी हाँ जॉब्स का तो ये रिक्वायरमेंट भी होता है ना कि तुम्हारे पास कोई होना चाहिए सर्टिफिकेशन, तो वहाँ पे अगर तुम्हारे पास है सीएस तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदे के लिए है, बहुत फ़ायदा है उसमें तुम्हारा। एक्सक्यूज मी। तो फिर आते हैं अपन वल्नरेबिलिटी पे। वल्नरेबिलिटी का मतलब कोई भी ऐसा, जिसको कह सकते हो वीकनेस उस सिस्टम में, जिसकी मदद से वो हैक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम में होगी, मतलब हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर में हो, किसी एप्लीकेशन में हो, कोई भी ऐसे सिक्योरिटी इशू जिसकी मदद से सिस्टम हैक, मतलब जिसको इस्तेमाल करके हैकर सिस्टम को हैक कर सकता है, सर उसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी। वो वर्नरेबिलिटी मैं खोजूंगा कैसे सर, उसे पता कैसे चलेगा कि उसमें ये देखेंगे अपन, वो खामी भी देखेंगे कैसे निकालते हैं वल्नरेबिलिटीज। है। ओके सर, फिर आता है एक्सप्लॉइट पे। अभी तो क्या हम आज सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकल तो इन सब चीज़ों का आ गया है। ओके सर, ओके। तो फिर हाँ, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट के दो मीनिंग होते हैं कि मान लो जैसे एक तो होता है कि जैसे कोई वल्नरेबिलिटी निकली है किसी सॉफ्टवेयर में, कोई पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, या मान लो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल लिया विंडोज़, विंडोज़ में कोई वल्नरेबिलिटी निकली, तो एक उसको एक्सप्लॉइट, वहाँ पे एक मीनिंग तो ये हो गया कि मैं उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, मतलब उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ सिस्टम को हैक करने के लिए। तो एक तो ये मीनिंग हो गया एक्सप्लॉइट का। एक
दूसरा मीनिंग ये होता है कि जो कोड होता है, जो प्रोग्राम होता है किसी भी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसको भी एक्सप्लॉइट कोड कहा जाता है। तो दो इसके मीनिंग्स होते हैं इस शब्द के। फिर आता है पेलोड। अच्छा, जो भी तुम्हारा एक्सप्लॉइट कोड है, पेलोड उसका वो हिस्सा होता है जो टारगेट सिस्टम को बताता है कि क्या करना है, वो होता है पेलोड, जो सामने वाले सिस्टम पे एग्जीक्यूट होता है जाके। मतलब सर ये पेलोड समझा नहीं सर, फिर से आप बताना इसे क्या कैसे, मतलब क्या होता है, चल कैसे ठीक है, होता है। तुम एक कोई वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, उसका तुम्हारे पास एक्सप्लॉइट कोड है जिसकी मदद से उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। अब देखो, एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना ये तो अलग बात है, और अब मैंने एक बार वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लिया तो सामने वाले सिस्टम को मैंने हैक किया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सामने वाले सिस्टम पे हो, क्या कोड एक चले वहाँ पे, क्या एक्शन हो वहाँ पे, ठीक है, या तो सिंपली इतना हो कि वो मेरे को एक्सेस मिले उस सिस्टम का, या उस सिस्टम पे मैं कुछ फाइल स्टोर करना चाह रहा हूँ या कुछ वहाँ से लेना चाह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। जी तो सर, पेलोड मतलब कि उस सिस्टम पे क्या कोड एग्जीक्यूट करना है वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करने के बाद, अच्छा उसको वो कहते हैं पेलोड। पेलोड पेलोड करने के बाद हमें उसका सिस्टम से एक्सेस लेने में आसान होता है। पेलोड की मदद से हम एक्सेस ले सकते हैं अच्छा वर्नेबिलिटी खोज के, ठीक वल्नरेबिलिटी। हाँ, ओके सर। फिर है यहाँ पे डॉक्सिंग। डॉक्सिंग मतलब कि किसी को, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल देना इंटरनेट पे। अब देखो, इंटरनेट पे क्या होता है, काफ़ी वेबसाइट्स ऐसी हैं, काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ लोग अनोनिमस रहना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि उनका नाम वगैरह कुछ डिटेल्स सामने आए। तो अब डॉक्सिंग मतलब कि क्या, किसी ऐसी जगह पे किसी ऐसे यूज़र का, किसी ऐसे अकाउंट का मैंने डेटा सारा जो है ऑनलाइन डाल दिया, सारी उसकी पर्सनल डिटेल्स डाल दिए, उसको कहते हैं डॉक्सिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी पायरेटेड वेबसाइट अगर होती है, कभी अगर तुम यूज़ करोगे कोई भी ऐसी वेबसाइट जो पायरेटेड कंटेंट देती है, पायरेटेड गेम्स, मूवीज, सॉफ्टवेयर, जो भी है, तो जो भी उस वेबसाइट का ओनर है, जिसने चलाई है वो वेबसाइट, वो कभी तुम देखोगे अपना नाम नहीं बताएगा वहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसे यूज़र नेम सा होगा बट अपना असली नाम कहीं उसने नहीं बताया होगा। ऑब्वियसली भी असली नाम बताएगा तो फंस जाएगा, क्योंकि पायरेसी तो इलीगल है। तो सर ऐसे ऐसे कोई पकड़ नहीं सकता कोई है, मान लिया गया कोई हैकर है तो वो ऐप गेम किसने बनाया ये नहीं जान सकता कोई। नहीं, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई पता कर लेता है कि वो कौन है, और उसके बारे में डिटेल डाल देता है सारे, उसका नाम वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन डाल देता है ऑनलाइन, तो इस चीज़ को अपन कहते हैं डॉक्सिंग, अच्छा, ठीक ठीक है। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना ऑनलाइन, सारा उसके बारे में बताना कि कौन है कौन नहीं, उसको अपन डॉक्सिंग, उस टर्म को ही डॉक्सिंग कहते हैं। ओके सर। फिर आता है ज़ीरो डे। ज़ीरो डे अटैक मतलब पूरा टर्म है ज़ीरो डे अटैक। ज़ीरो डे अटैक क्या होता है कि जैसे मान लो कोई वल्नरेबिलिटी किसी ने डिस्कवर की, खोज निकाली है वल्नरेबिलिटी किसी सॉफ्टवेयर में, अगेन उसमें विंडोज़ का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो कोई अटैकर है, उसने विंडोज़ के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढी है और अभी क्या सिर्फ उसी को पता है क्योंकि उसने ढूंढी है, किसी और को अभी पता नहीं है उसके बारे में। इवन जैसे विंडोज़ है तो डेवलपर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है उसका, माइक्रोसॉफ्ट को भी अभी नहीं पता है उसके बारे में, और उसने या किसी और ने, किसी और हैकर को उसने बताई हो, और उसने उस वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल करके अटैक कर दिया या हैक किया कोई सिस्टम, तो उसको अपन कहते हैं ज़ीरो डे अटैक। क्योंकि अभी जो है डेवलपर को नहीं पता है उस वल्नरेबिलिटी के बारे में, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी सिस्टम है उसका, जो डेवलपर है उसको नहीं पता है, तो उसने कोई उसके लिए पैच नहीं निकाला, कोई फिक्स नहीं निकाला, इस तरह के अटैक को अपन ज़ीरो डे अटैक कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई वो होता है, कोई वल्नरेबिलिटी जब पता चलती है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो जो भी डेवलपर है तुरंत उसका कुछ ना कुछ अपडेट निकालता है उसको फिक्स करने के लिए। लेकिन अगर अटैक ऐसे टाइम पे होता है जब वल्नरेबिलिटी कहीं रिवील नहीं हुई, अटैकर को भी नहीं पता है,
सॉरी अटैकर बोल रहा हूँ, डेवलपर को भी नहीं पता है कि वालनेबिलिटी ऐसी है मेरे सॉफ्टवेयर में, और उस वालनेबिलिटी का इस्तेमाल करके अटैक किया है, तो जीरो डे अटैक कहते हैं उसको। फिर आता है डेजी चेनिंग। डेजी चेनिंग मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने अगर किसी सिस्टम को हैक किया है और वो जो सिस्टम है वो एक नेटवर्क का हिस्सा है, और उस नेटवर्क में और भी कई सारे सिस्टम वहाँ पे रखे हुए हैं, मतलब रखे हैं क्या, उस नेटवर्क का हिस्सा है वो सिस्टम। तो अगर मैं एक सिस्टम की मदद से दूसरा सिस्टम हैक कर रहा हूँ, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से एक चेन सी बन रही है, तो उसको अपन इस चीज़ को कहते हैं डेजी चेनिंग। फिर है बॉट। सर ये जो डेजी चेनिंग है सर, तो ये जो आपने बोला एक नेटवर्क में अगर बहुत सारे डिवाइसेस जुड़े हुए हैं उस पर अटैक कर सकते हैं तो उसे डेजी चेनिंग करते हैं। तो सर ये जो नेटवर्क में जुड़ना है तो ये आपस में लोकल एरिया नेटवर्क में ही जुड़ेंगे वो होगा, या जैसे होता है राउटर या स्विच वाला जो नेटवर्क होता है उसमें। नहीं, नेटवर्क तो देखो, मान लो अगर मैं डेजी चेनिंग की बात करूँ, बन रही है सेम नेटवर्क के अंदर बन रही है। ये कि अगर मैंने कोई डिवाइस, सर आवाज आपकी ठीक से आ नहीं रही है। क्या चीज हाँ सर अभी ठीक है सर। मैं बोल रहा हूँ कि डेजी चेनिंग मतलब क्या है कि मैंने अगर कोई सिस्टम हैक किया है उसी नेटवर्क पे, जिस नेटवर्क के अंदर वो सिस्टम है उस पे और सिस्टम्स को हैक करते जाना, जैसे एक सिस्टम हैक किया फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से चेन जी बन गई सर सेम नेटवर्क में, जी उसको अपन कहते हैं डेजी चेनिंग। अच्छा अच्छा समझ गया सर। फिर आता है बॉट। बॉट मतलब कि कोई ऐसा प्रोग्राम एक बार लिख के ऑटोमेटिकली वो चले जा रहा है वहां पे, क्या सर मुझे समझ में नहीं आ रही है कुछ चीज। भी, लाइक तब से मैं देख रही हूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब टर्म्स डेफिनेशंस या इन जनरल। सर स्टार्टिंग से मेरा हाफ एन आवर का छूट चुका है, सो मैंने सिर्फ दो टॉपिक किया है, टर्मिनोलॉजी और उसके ऊपर का, तो वो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो उसका टर्मिनोलॉजी का और उसका पहले का मतलब उनका डायरेक्ट कोई ऐसे रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमने पहले का जो तुम्हारा रह गया था उसकी वजह से इसको कोई वो नहीं पड़ेगा इफेक्ट। और जो मिस हुआ है ना उसका ऐसा कुछ नहीं कि वो हो गया, तुम तो हर सेशन जो है रिकॉर्डेड होता है, तो तुम्हें रिकॉर्डिंग सारी मिल जाती है तो सारे सेशंस की, जितने भी तुम्हारे होंगे सेशन सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आराम से। तो ओके कुछ अगर मिस भी हो गया ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक ओके है, फिर एक बार क्या करना है, रिकॉर्डिंग को देख के प्रॉपरली स्टार्टिंग से एंड तक उसको देखना कि क्या क्या हमने डिस्कस किया है, एंड फिर भी अगर कोई इश्यू रहता है तो यू कैन ऑलवेज पास। एंड एक्सक्यूज मी सर, सर थोड़ा वॉइस के बारे में कुछ करना पड़ेगा, इट्स वेरी लो एक्चुअली। आई एम ऑन स्पीकर फिर भी कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। लो आ रही है वॉइस काफी। हाँ सर ओके, एक्चुअली मैं तो क्या, माइक इज एकदम मुंह के पास रखा हुआ है माइक, और तो लेट मी सी व्हाट आई कैन डू, बट देयर इज नॉट मच करने को। अभी ठीक है क्या ऑडियो? अभी थोड़ा लाउड हुआ है सर। अच्छा ठीक है, चलो। तो वी वर टॉकिंग अबाउट बॉट है ना,
बॉट क्या होता है कि कोई भी जैसे प्रोग्राम, कोई भी कोड लिख के हमने चला दिया और ऑटोमेटिकली वो अब काम कर रहा है, लाइक यू राइट इट वंस एंड यू रन इट एंड इट इज कंटिन्यूसली छोड़ा हुआ है उसको ऑनलाइन। तो आजकल क्या होता है बॉट्स जैसे क्या करते हैं, जो मैंने बात की थी स्कैनिंग वगैरह की, अभी ऑफ कोर्स उसको हमने इन डेप्थ कवर नहीं किया, वो भी करेंगे। तो बॉट्स के स्कैनिंग करते रहते हैं, अलग अलग तरह के स्कैन्स चलाते रहते हैं और टारगेट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं वो। काफ़ी अटैक्स जो होते हैं आज की डेट में वो स्टार्ट कौन करता है, बॉट स्टार्ट करते हैं। और बॉट का एक और भी जो है इस टर्म का एक और यूजेज भी है जो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है? जब मालवेयर की बात करेंगे तब देर इज वन मोर प्लेस जहाँ पे बॉट की बात आएगी, तो विल डिस्कस देर एज वेल कि और क्या एप्लीकेशन है बॉट का। एंड देन देर इज द टर्म थ्रेट। थ्रेट इज एनीथिंग दैट इज अ डेंजर टू योर डेटा और योर सिस्टम, समथिंग दैट इज डेंजरस, एक्सक्यूज मी, तो दैट इज थ्रेट। मैलवेयर इज है, मैलवेयर इज अ थ्रेट, कोई अटैकर है, अटैकर इज अ थ्रेट। तो ये चीज मतलब एनीथिंग दैट इज डेंजरस टू योर सिस्टम, डेंजरस टू द सिक्योरिटी ऑफ योर सिस्टम और डेटा, तो उसको हम थ्रेट कहते हैं। और फिर ये छोटा सा फॉर्मूला बोल लो, इक्वेशन बोल लो, सिंपली अटैक इज इक्वल टू गोल प्लस वल्नरेबिलिटी प्लस मेथड, मीनिंग की कोई भी साइबर अटैक की यहाँ पे बात हो रही है, अटैक मतलब साइबर अटैक। तो उसके तीन हिस्से होते हैं, गोल मतलब अटैक करने का कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा, बिना किसी रीज़न के कोई अटैकर इतनी मेहनत नहीं करेगा कि अटैक करे जाके, कोई ना कोई उसका गोल रहा होगा कि अटैक करने से उसको क्या मिला, कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी रही होगी जो उसको मिली, बिना अगर सिस्टम 100% सिक्योर है, कोई वल्नरेबिलिटी कहीं भी है ही नहीं तो हैक हो नहीं सकता। हालांकि ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि कहीं भी कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं होता कभी भी। और मेथड मतलब अटैक करने के लिए कुछ ना कुछ उसने तरीका जो भी यूज़ किया, जो मेथड यूज़ किया, तो अटैक इन तीन चीज़ों से बनता है। हमारा सिस्टम अगर मान लिया जाए तो हमारे सिस्टम पे अटैक कर रहा है तो फायरवॉल जैसे है, फायरवॉल के जो लेयर्स होते हैं उसे वो क्रैक कर सकता है। तो हाँ, सर और फायरवॉल, फायरवॉल कितने तो बार एक, अटैक क्या करेगा जो सर वो फायरवॉल हमारा क्रैक कर सकता है? डिपेंड करता है कैसे अटैक कर रहा है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। और फायरवॉल तो एक चीज हो गई ना, फायरवॉल तो सिर्फ एक चीज है, अटैक करने का सिर्फ एक ही तरीका थोड़ी ना है, अटैक करने के कई तरीके होते हैं, कई सारी जो है टेक्निक्स हैं, कई सारे अप्रोच हैं जो यूज़ की जा सकती हैं। ओके फायरवॉल इज़ वन थिंग जो डिफेंस के लिए यूज़ होती है, तो ठीक है कुछ चीज़ें तो वो रोक लेगा बट सब कुछ नहीं रोक सकता। ओके प्लस ये भी तो डिपेंड करता है तुमने फायरवॉल कॉन्फ़िगर कैसे किए। फायरवॉल कॉन्फ़िगर तो जो यूज़र है वही करता है कि उसके सेटिंग्स जो भी हैं वो तो यूज़र सेट करता है, हाँ सर तो भी डिपेंड करता है, ओके ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ पे एथिकल हैकिंग में मेनली क्या होता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये इसके एप्लीकेशन होते हैं एथिकल हैकिंग के। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का मीनिंग ये है कि मैं किसी भी सिस्टम में, किसी भी रिसोर्स में ये चेक कर रहा हूँ कि कितनी वल्नरेबिलिटीज़ मुझे मिलती हैं, कितने सिक्योरिटी इश्यूज, कितनी वीकनेसेस हैं किसी भी सिस्टम में या नेटवर्क के अंदर। मैं सिर्फ वो देख रहा हूँ, मैं आगे जाके उन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वल्नरेबिलिटीज़ देख रहा हूँ क्या क्या मिल रही है मुझे, उसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब कि मैंने वल्नरेबिलिटीज़ को सिर्फ एक्सप्लॉइट, सॉरी वल्नरेबिलिटीज़ को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उनको एक्सप्लॉइट भी किया, और मैं ये देखा कि उनको एक्सप्लॉइट करके मैं सिस्टम में किस हद तक घुस सकता हूँ, उसको कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो एथिकल हैकर्स जो होते हैं वो ये दोनों चीज़ें करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग ज़्यादा इन डेप्थ होती है क्योंकि एक्चुअली हम वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके सिस्टम को हैक कर रहे हैं,
वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में उतना काम नहीं होता, सिंपली देख रहे हैं क्या वल्नरेबिलिटीज हैं सिस्टम के अंदर। तो शॉर्ट में इसको VA और PT के नाम से, और साथ में एक एक साथ भी बोलते हैं VAPT, तो ये टर्म भी कहीं ना कहीं सुनने को मिल सकती है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की। अब हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, कुछ ना कुछ उनके पॉलिसी के जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उसको हर एम्प्लॉय को फॉलो करना है ताकि कंपनी का डेटा और कंपनी के सिस्टम जो है वो सिक्योर रहें। तो लेकिन ये जो पॉलिसीज़ होती हैं, इनके यहाँ पर चार अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं। सबसे पहली दी हुई है प्रोमिस्कुस। प्रोमिस्कुस पॉलिसी मतलब जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं यूज़र पर, कुछ भी कर सकता है, कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मतलब एक एक तरह से इसको पॉलिसी ना होने के बराबर समझ सकते हो। फिर आती है परमिसिव पॉलिसी। परमिसिव पॉलिसी मतलब कि सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें जो नोन है, जो पता है कि हाँ ये डेंजरस है, ये वेबसाइट ये मेलिशियस वेबसाइट है, अच्छी नहीं है, सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें ब्लॉक्ड है, बाकी सब अलाउ किया हुआ है, बाकी सब आराम से यूज़ कर सकते हो। फिर है प्रूडेंट। प्रूडेंट पॉलिसी में क्या होता है कि सिर्फ कुछ ऐसी नॉन वेबसाइट्स जो पता है कि यूज़फुल हैं, काम की हैं, वही अलाउड होती हैं, बाकी सब ब्लॉक्ड रहता है। तो मतलब रिस्ट्रिक्शन इसमें ज़्यादा है। तो जो हम सर हम ये सब जानेंगे, सर ये सब हम जानेंगे कैसे सर, कि मतलब ये जो जितने भी हैं तो ये प्रोमोशियस है और प्रमोशियस है, प्रोडेंट है, ये सब कैसे जानेंगे? ये तो सिंपली कैटेगरीज हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की, ये जान के मतलब बेसिकली क्या है, ज़्यादातर कंपनीज में तो या तो परमिसिव होती है प्रूडेंट होती है पॉलिसी, वो तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे एज एन अटैकर तुम्हारा मतलब का नहीं है, बट दिस इज़ अ कंसेप्ट जो यहाँ पे इस टॉपिक का हिस्सा है, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जी सर, समझ गया। तो प्रूडेंट पॉलिसी मैं बोला था कि उसमें सिर्फ कुछ ऐसे वेबसाइट्स या कुछ ऐसे टूल सॉफ्टवेयर जो पता है कि हाँ ये ज़रूरी है, काम करने के लिए चाहिए लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, वो अलाउड रहता है, बाकी सब ब्लॉक। और पैरानोइड पॉलिसी में सब ब्लॉक रहता है, इंटरनेट एक्सेस अगर होगा भी तो बहुत लिमिटेड होगा और बाकी सब ब्लॉक रहेगा वहाँ पे। अब प्रोमिस्कुस पॉलिसी तो हार्डली कहीं यूज़ होती होगी, अगर कोई ऐसा है जो बिल्कुल ही इसको परवाह ही नहीं है सिक्योरिटी की, वहाँ इस तरह की पॉलिसीज़ यूज़ होती हैं। ज़्यादातर कंपनीज में परमिसिव और प्रूडेंट में से कोई एक पॉलिसी यूज़ होती है, या तो परमिसिव होगी या प्रूडेंट होगी। और पैरानॉइड जो है ये बहुत ही स्पेशल कुछ तरह के नेटवर्क्स वगैरह में लगती हैं, जैसे मान लो कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनका, उनके नेटवर्क्स में, या फिर कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है। तो आजकल क्या है कि जो उनकी मशीन्स हैं उनको, वो सारी एक इंटरनल नेटवर्क पे रहती हैं। इस नेटवर्क में क्या है कि कोई नॉर्मल यूज़र या एम्प्लॉय कोई एक्सेस नहीं करता उस नेटवर्क को, बस वो मशीन्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं इस नेटवर्क के थ्रू। एंड इंटरनेट एक्सेस या तो उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, या अगर मान लो कंपनी वेबसाइट से कुछ डेटा रिट्रीव करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए उनको अलाउ करेंगे एक्सेस। तो पैरानॉइड पॉलिसी कुछ पर्टिकुलर तरह के एनवायरमेंट्स में लगाई जाती है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और कंसेप्ट है इस चैप्टर में, रेड टीम और ब्लू टीम का। जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करते हैं, जो मैंने बताया था, किसी सिस्टम को या किसी भी नेटवर्क को, किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि कितने सिक्योर हैं कितने नहीं हैं। तो वहाँ पे एक रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग का कंसेप्ट आता है कि जो अटैकर्स हैं, अटैकर्स आज यहाँ पे एथिकल हैकर्स जो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सिक्योर है या नहीं, वो लोग होते हैं रेड टीम के अंदर। ठीक है, तो वो लोग कंपनी के सिस्टम्स को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्लू टीम में मतलब वो लोग हो गए जो कंपनी के जो सिक्योरिटी स्टाफ है, जो सिस्टम्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं जानूंगा कैसे सर मेरा सिस्टम सिक्योर है या नहीं? सिस्टम सिक्योर है या नहीं, वो तो एक
जो हमने टेक्निक्स हम लोग देखेंगे ना यहाँ पे, कि जिससे हमें पता चलेगा कि सिस्टम की क्या सिचुएशन है, वो तुम अपने सिस्टम्स पे रन करके देखो, तो तुम्हें एक आइडिया होगा कि सिस्टम सिक्योर है या नहीं। यूजली क्या होता है, पेनिट्रेशन टेस्ट जो होते हैं, एथिकल हैकिंग जो होती है, वो इसीलिए तो होती है कि पता चले सिस्टम सिक्योर है या नहीं। तो ये ओके सारी टेक्निक्स तुम अपने सिस्टम्स पे अप्लाई करोगे, तब तुम्हें उसका एक आइडिया होगा कि किस लेवल पे है तुम्हारे सिस्टम की सिक्योरिटी। ओके ओके, तो जो हमने इंट्रोडक्टरी चैप्टर, इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था, वो आज हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। अब जब प्रैक्टिकल पार्ट आता है इसका, देखो इसमें एथिकल हैकिंग में प्रैक्टिकल के लिए हम लोग लिनक्स यूज़ करते हैं। लिनक्स यूज़ किया है यहाँ पे किसी ने पहले? अच्छा, जी सर, मैं थोड़ा बहुत लिनक्स यूज किया हूँ। बाकी लोगों ने? नहीं सर। नहीं किया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं किया तो भी कोई इशू नहीं है। मैं जो है स्टार्ट इसी से करवाता हूँ कि लिनक्स कुछ बेसिक्स हम लोग देखेंगे लिनक्स यूज़ करने में। लेकिन लिनक्स तुम्हें क्या अपने सिस्टम्स पे इंस्टॉल करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि विंडोज़ हटा दो सिस्टम में से, ठीक है, विंडोज़ तो रहेगा, सर वीएमवेयर अच्छा होता है या वर्चुअल बॉक्स? दोनों अच्छे हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। और लेकिन लिनक्स हमें कौन सा यूज़ करना है? हम काली लिनक्स यूज़ करते हैं। इसमें लिनक्स का जो लिनक्स है, कई बहुत अलग अलग तरह के ऑप्शन है लिनक्स में तुम्हारे पास कि कौन सा लिनक्स का सिस्टम यूज़ करना है। तो एथिकल आके में या तो काली लिनक्स यूज़ कर सकते हो, या फिर कहता है पैरेट ओएस, उन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। और उसको कैसे अपन इंस्टॉल सर करेंगे, इसके मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ यहाँ पे। हेलो हाँ सर, बोलो। मैं ये बोल रहा था जैसे एक वो आता है डेबियन आता है, अवेंटू आता है, ये सब क्या प्रोसेस है लिनक्स? लिनक्स का देखो, लिनक्स का कोई एक, जैसे विंडोज़ में तो क्या है कि अगर विंडोज़ 10 है तो वो विंडोज़ तुम्हारे सिस्टम में भी विंडोज़ 10 है, मेरे सिस्टम में भी सेम विंडोज़ 10 है, सेम रहेगा। लिनक्स के लेकिन क्या, कई अलग वर्जन आते हैं, कई अलग अलग तरह के सिस्टम्स आते हैं लिनक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जी और सर, अलग अलग पर्पस के लिए। उबंटू जैसे एक जनरल यूज़ के लिए है, ठीक है, डेबियन भी अपने आप में तो जनरल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो उसको। एक्चुअली तो उबंटू भी सबसे डेबियन अच्छा पे ही बेस्ड है। फिर जो मैं बता रहा हूँ काली लिनक्स, ये एथिकल हैकिंग के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह के लिए है। पैरट तो जो सर मैंने बताया, मैंने मैंने सर काली लिनक्स में डाउनलोड किया हुआ है, बट उसमें ना वो डेबियन आया था, तो डेबियन को मैंने सेलेक्ट किया किसमें? काली लिनक्स का ना डेबियन, उसमें आया मतलब मैं डाउनलोड किया था तो काली लिनक्स का डेबियन। ठीक काली लिनक्स डेबियन पे ही बेस्ड है, ठीक है सर, ओके सर, है। ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक दो लिंक्स देने वाला हूँ। तो ये लिंक्स में क्या बताया होगा कि इसको, काली लिनक्स को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कैसे करते हैं। जिसके पास इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तुम उसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जिसके पास इंस्टॉल्ड हेलो नहीं है। सर, हाँ बोलो। स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके हाँ, अभी कुछ शेयर किया नहीं हुआ मैंने। और हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं तुम लोगों को लिंक्स देने वाला हूँ कुछ, उसमें इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताया कि इसको वर्चुअल मशीन कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो अब इसमें वर्चुअल बॉक्स, तुम चाहो तो वर्चुअल बॉक्स यूज़ करो। वर्चुअल बॉक्स इज़ अ सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से तुम अपने सिस्टम में वर्चुअल मशीन चला सकते हो। वर्चुअल मशीन क्या होता है कि तुम्हारा जो सिस्टम है, जैसे मेरा फिजिकल सिस्टम जो मेरा लैपटॉप है, ये विंडोज़ पे चल रहा है, लेकिन मान लो अगर मुझे काली यूज़ करना है तो मैं उसको एक वर्चुअल मशीन बना के अपने सिस्टम पे चला सकता हूँ। वर्चुअल मशीन में क्या होगा कि वो एक अपना ही अलग से सेपरेट एक सिस्टम होता है, आइसोलेटेड होता है, जो
मैं जो भी कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन में वो उसके अंदर ही रहेगा, मेरे मेन सिस्टम पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो रिसोर्सेज हैं जो वो यूज़ करता है, जैसे रैम और हार्ड डिस्क स्पेस, प्रोसेसर, वो मेरे डिवाइस से ही वो शेयर करेगा। हेलो सर, हाँ बोलो। सर जो हम जो काली लिनक्स पे जो भी एप्लीकेशन सर जो फाइल्स वगैरह ऑपरेट करते हैं वो जो हमारे विंडोज वाले फाइल्स होते हैं वही ऑपरेट होते हैं? नहीं, तुम्हारे विंडोज की जो फाइल्स हैं हाँ उसको काली नहीं देख सकता। जो अच्छा, तुम तो वर्चुअल मशीन में उसके डालोगे ना हाँ तो उसको तुम्हारा वर्चुअल सिस्टम नहीं देख पाएगा, तुम्हारी विंडोज मशीन में जो फाइल्स हैं। यदि अगर इसका मतलब अगर मैं कुछ अगर डाउनलोड अगर काली में करना चाहता हूँ तो वो काली में अलग से डाउनलोड होगा? अच्छा, हाँ मैं सोच रहा देखो, था एक्सेस मतलब मैं सोचा विंडो का भी एक्सेस लिया जा सकता है, इसलिए मैं सोचा पूछूँ। नहीं वो उसकी फाइल्स एक्सेस नहीं कर पाएगा वर्चुअल मशीन। वो तुम्हारे सिस्टम पे ही, तुम्हारी जो ये रहेगी ना हार्ड डिस्क, हाँ तुम्हारी जो विंडोज की हार्ड डिस्क है उसमें कुछ स्पेस लेगा, अपनी फाइल्स वहाँ स्टोर करेगा, लेकिन हाँ उसके बाहर, उस स्पेस के बाहर वो कोई फाइल एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब तुम्हारे सिस्टम पे विंडोज़ के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उसको तुम्हारी वर्चुअल मशीन नहीं छेड़ेगी, उसको हाथ नहीं लगा सकती। तो हम जो वो जो कमांड चलाते हैं LSCD तो वो सिर्फ और सिर्फ काली तक ही सीमित रहती है? वो मतलब ये ls और cd तो जनरल लिनक्स के कमांड्स हैं, और अगर तुम उसको वर्चुअल मशीन में चला रहे हो तो वो उस वर्चुअल मशीन का ही तुम्हें डेटा दिखाएगा, उसके बाहर का कुछ नहीं दिखाएगा। ओके वर्चुअल मशीन को तुम क्या समझ सकते हो, एज अ सेपरेट सिस्टम, ठीक है, जो तुम्हारे सिस्टम के अंदर ही चल रहा है, ओके सर कंप्लीट अपने आप में वो सिस्टम है। जो वर्चुअल मशीन होती है ना उसको ये नहीं पता कि हम उसको एक सिस्टम के अंदर चला रहे हैं, उसको ये लग रहा है कि मैं एक प्रॉपर अलग से एक कंप्यूटर सिस्टम हूँ और उस पर रन हो रहा है। वो तो ओके हमें पता है कि हम उसको एज अ वर्चुअल मशीन चला रहे हैं, ओके सर ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे एक लिंक डाला है और अभी मैं दूसरा भी डाल रहा हूँ। सर इसमें वो वर्चुअल बॉक्स और काली दोनों इसमें वर्चुअल बॉक्स पे काली को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो प्रोसेस है, और जो दूसरा लिंक है उसमें VMware पे काली कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। का है? दोनों का तो सर सेम ही प्रोसेस होगा ना? थोड़ा सा मतलब देखो, इंस्टॉलेशन तो सेम होती है, थोड़ा थोड़ा सा का अंतर होगा। सा दोनों का डिफरेंस है इंटरफेस वगैरह का, VMware और वर्चुअल बॉक्स का, बाकी तो सेम ही है। और उसके बाद अब इन्होंने क्या बताया है कि इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस तुम्हारा रहेगा वो स्टार्ट कैसे करना है वो बताया हुआ है, ठीक है। एक बार इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, एक बार जब एक्चुअली जो सेटअप होगा, जैसे क्या तुम विंडोज़ अगर इंस्टॉल कर रहे हो उसका प्रॉपर एक सेटअप होता है, उसी तरह से काली इंस्टॉल करोगे तो उसका भी सेटअप पूरा रन करता है, ठीक है। वो कई सारे ऑप्शंस उनसे पूछेगा, कई सारी कॉन्फ़िगरेशंस उनसे मांगेगा, तो वो कैसे करते हैं, क्या उसमें सेटिंग्स देनी है, कैसे करना है, वो ये थर्ड वाले लिंक में है। अब वो लिंक VMware के लिए लिखा है, बट सेटअप स्टार्ट होने के बाद VMware वर्चुअल बॉक्स दोनों में सेम काम रहता है। और एक चीज़ ध्यान रखो कि सबके पास एटलीस्ट 8 GB रैम है सिस्टम में, सर मेरा 8 GB है। हाँ 8 GB हाँ एटलीस्ट सर उतनी है है सर। सबके पास है। ओके, क्योंकि 8 GB से कम अगर रहती है, मान लो 4 GB रहती है, तो उसमें फिर वर्चुअल मशीन को चलाने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि क्या होता है, मान लो अगर मैंने वर्चुअल मशीन को 2 GB रैम दे दी, ठीक है, तो वो क्या है, वो 2 GB रैम सिर्फ वो वर्चुअल मशीन यूज़ करेगी, फिर मेन सिस्टम उसको यूज़ नहीं कर सकता है। तो वो ओके एज लॉन्ग एज वर्चुअल मशीन चल रही है, मतलब जब वो चल रही है यूज़ तभी करेगी, ऐसा नहीं कि जो ऑफ ऑफ है तब भी यूज़ करे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक वो वर्चुअल मशीन चल रही है तब तक वो 2 GB रैम सिर्फ वर्चुअल मशीन यूज़ करेगी, मेरा मेन सिस्टम यूज़ नहीं कर पाएगा।
ओके तो इसलिए ध्यान रखो कि अगर तुम्हारे पास रैम स्पेस कम है ना तो वर्चुअल मशीन को बहुत ज़्यादा मत दे दो, क्योंकि फिर जो सिस्टम है ना वो अटकने लग जाएगा। सर, मैंने और 4 GB दिया है, 4 GB टोटल कितने सिस्टम है? 8 GB रैम है मेरा। 8 है, ठीक है 4 GB दे दो। अगर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम स्लो हो जाए ना इस वजह से तो कम कर देना थोड़ी रैम नहीं, उसको। सिस्टम तो सर स्लो नहीं है। ठीक नहीं हो रहा है तो ठीक है, फिर चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर ऐसा हो जाता है, मान लो इन केस कि कभी कभी कुछ पॉइंट ऐसा भी आता है कि हमें एक साथ दो वर्चुअल मशीन चलानी पड़ती है, वहाँ पे फिर तुम्हें देखना पड़ेगा कि रैम थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी उसको। अच्छा, फिर 2 GB रैम देनी पड़ेगी दो या सर। तीन, दो दो वर्चुअल बॉक्स क्यों चलानी पड़ेगी सर? दो वर्चुअल मशीन, वर्चुअल बॉक्स नहीं, हाँ एक वर्च तुम अच्छा अपने सिस्टम पे जितनी चाहो वर्चुअल मशीन रख सकते हो। सही, एक में तुमने अच्छा काली लिनक्स डाल दिया, एक में विंडोज डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे हाँ हाँ ठीक 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 हाँ सर। तो कई बार होता है ज़रूरत पड़ती है दो चलाने की। ठीक है, जैसे तुम कुछ टूल्स वगैरह प्रैक्टिस करोगे, कुछ करोगे तो बिल्कुल। वहाँ पे तुम्हें ज़रूरत होगी। अच्छा सर, वो जो पाइथन्स वगैरह यूज करते हैं तो वो भी तो फिर वो मशीन डालना पड़ेगा वर्चुअल बॉक्स पे। जैसे क्या चीज़? हमारा पाइथन्स वगैरह जब चले मैं करूंगा जब, पाइथन? हाँ तो उसका भी तो वो पाइथन जो, तो प्री इंस्टॉल आती है काली वगैरह अच्छा में। अच्छा ठीक है सर। देखो ज़्यादातर जितने भी टूल्स यूज होंगे ना हमारे हाँ इसमें, वो सारे काली, आज के रेट में काली और पैरट दोनों में प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। ओके ओके ठीक है, तो थैंक यू सर। उसमें ठीक अगर कुछ ऐसा होता है कि अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा तो मैं बता दूंगा क्या करना है, बट आज की डेट में सब इंस्टॉल्ड आता है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तभी तो अगर ओके सर तुम कंपेयर करोगे इसके पहले बार ये वर्जन देखोगे और अब वाले वर्जन देखोगे तो उसमें साइज़ का फ़र्क आ गया। पहले क्या है, काली तुम उसको 25-30 GB की जगह भी अगर देते थे हार्ड डिस्क पर आराम से चल जाता था, अब 50-60 से कम में हाँ बात ही सर। नहीं अब बनती। तो हाँ, अब 70 GB देना पड़ता है। मेरी इधर ही एक मैंने पहले इंस्टॉल किया हूँ सर। हाँ हाँ ना, अब बहुत बड़ा कर दिया इन लोगों ने, उसमें टूल्स डालते रहते हैं। ओके, तो वर्चुअल मशीन जो है इंस्टॉल करो आज, और कल अपन इसका लिनक्स कैसे यूज़ करते हैं, बेसिक्स कुछ लिनक्स के वो हम लोग देखेंगे। ओके सर। ठीक है, इन केस कोई इशू आ रहा है इंस्टॉलेशन में तो बताना, फिर देखते हैं उसमें क्या किस तरह से उसको रिजॉल्व करना है। और अभी इंस्टॉल करने की ट्राई करो आज, वैसे तो इतना कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए, हो जाएगा इंस्टॉल आराम से। इन केस लेकिन कुछ आता है तो बता देना, जैसा भी है तो ओके सर। कर लेंगे अपन। और अच्छा, आज तो क्या है कि फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो आज से पहले का तो कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, बाय। ओके बाय। बाय सर।